प्रधानमंत्री आवास योजना तथा डूडा की अन्य योजनाओं के मूल्यांकन संबंधित बैठक नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास की अध्यक्षता में दाऊदपुर स्थित विधायक आवास पर संपन्न हुई। बैठक में नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को मिलने वाली धनराशि में आ रही दिक्कतों के संबंध में चर्चा की तथा कहा कि जिस भी लाभार्थी का मकान पास नहीं हुआ है उनको उसका कारण बताया जाए, जिससे वे यह जानकारी पा सकें कि किन कारणों से उनका मकान निरस्त हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डूडा के परियोजना निदेशक विकास सिंह और नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, एक जो राजा का होता है गरीबों को लाभ पहुंचाना और दो उस लाभ के माध्यम से एहसास कराना कि हम पहले की सरकारें नहीं है। 100 रुपया चलता है तो 15 रुपया नहीं पहुंचता है, 100 का 100 रुपया। जो रोते हैं कहते हैं कि पैसा देना पड़ेगा, समस्या का समाधान। एक आदमी काम करेगा तो उसको 5000 रुपया एक फाइन को मिलेगा, 2.5 लाख रुपया हो गया है लेकिन 2000 रुपया इनको दिया जाना चाहिए। ऑफिशियल अनऑफिशियल कोई काम नहीं है, अनऑफिशियल काम वो संस्था कौन है जिसकी संस्था से कर रही होती है। संजीव बाबू जी से योजना शुरू हुई आज से नहीं, अगर उनके घर छूना भी नहीं पड़ा ऐसे कितने आवेदन, उनके घर सर्वेयर नहीं गया ऐसे कितने आवेदन, 50000 रुपया देकर रोक दिया गया ऐसे कितने आवेदन, किसी ने बना लिया उसको फाइनल पेमेंट 50000 का नहीं मिला ऐसे कितने आवेदन। ठीक है, अलग वाइज डिटेल वाइज एक एक वार्ड और जो विषय हमने उस दिन उठाया था मीटिंग में, हमने आवेदन किया, आपने हमको बताया नहीं कि रिजेक्ट हो गया। क्या नाम है तुम्हारा बहनी, तुम किस लिए आई हो यहाँ, कहाँ से किस मोहल्ले से आई हो, पूरा का कौन जगह, पीपल धारा का कौन सर्वेयर है, खड़े हो जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। तुमने कब आवेदन किया सर, वही ले गए थे, पहचान रही हूँ तो ठीक, जाने के बाद ये क्या क्या किए, कितने दिन पहले की बात है, ये कब गए थे, हमने तो बुलाया नहीं था, ये अपने आप आ गई है, आज की मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग थी, मैंने नागरिकों को अभी न बुलाने का तय किया था लेकिन आ गई है तो इसी उदाहरण से हम लोग बिल्कुल बिल्कुल हाँ। यानी तुमने एक साल पहले आवेदन किया, तुम्हारे घर ये 6 महीने बाद गए, तुम ये कहना चाह रही हो 6 महीने जाने के बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद सुनवाई नहीं हुआ, फोटो खींचे उसके बाद तुमने कोई, उसके बाद बहुत हम सिफारिश किए कोई वो नहीं हुआ, फिर ये हुआ कि कोरोना आ गया है, कोरोना की वजह से पूरे 6 महीने के दौरान तुमसे कोई पैसा मांगा नहीं सर, हमसे कोई अभी तक पैसा, अरे हमारा कार्यकर्ता कोई मांग लिया होगा कि हम दिलवा देंगे, कोई बात हम तो साफ पूछने वाले आदमी, हमें तो झूठ थोड़े पूछे। ठीक है, अब आप बताइए तुम इसका रिपोर्ट दो, देखिए और अपात्र करके सूची नहीं देने की हिम्मत करेगा, जाएगा मौके पे देखेगा और उसका अगर अपात्र है तो उसका कारण लिखेगा चार पत्र या कोडिंग करेगा, कोडिंग की जरूरत नहीं है उसमें भी जगह रहती है। आज के युग में जब हर काम मैसेज से हो रहा है और जब आपके पास सबके टेलीफोन नंबर है तो ये सूचना कि आपका रिजेक्ट हो गया किस कारण से, ये तो कहीं किसी को देने जा आप प्रणाम दिए इंतजार को कुछ आदेश कर, थोड़ा और पारदर्शी हो जाएगा हम लोग की भी हिम्मत जरूर, आप जब कह दिए तब तो हो ही गया, धन्यवाद। आज का दिन मैं समझता हूँ अचानक ही कुछ विशेष है, खास तौर पे हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना PMAY अर्बन के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो है, सुबह मैंने इस पर मीटिंग रखी थी और विधायक जी ने कहा कि इस पर हम भी कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो यहाँ भी संयोग से एक जन चौपाल का आयोजन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ बहुत अच्छी बातें निकल के सामने आ रही, और मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से एक चीज़ का आश्वासन देना चाहता हूँ सभी को, माननीय विधायक जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैं आया हूँ मैं इसको देख रहा हूँ या समझ रहा हूँ, कोरोना की वजह से और दूसरी एक योजना के लॉन्च हो जाने की वजह से थोड़ा कम समय दे पाया, लेकिन अब मैंने काफ़ी कुछ इसको यहाँ देखा है और
मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कहीं भी संज्ञान में आता है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके क्रियान्वयन में जो यहाँ पे कमियाँ मुझे दिखी हैं, खासतौर पे अभी जो थोड़ा अनसिस्टमेटिक वे में काम हो रहा था और ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं यहाँ पे तैयार किया गया पीएमवाई अर्बन में, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और पिछले करीब एक हफ्ते से जो है मैंने इस पर किया है। उनका ये कहना है कि जो अपात्र हुए हैं आज तक, उनको इसकी सूचना क्यों नहीं है, जो सारे आवेदन आए हैं। तो इसका सिस्टम आगे बहुत अभी अच्छा बन जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि दिशा की बैठक में मैंने भी ये कहा था और डीएम सर भी इस पर सहमत थे। जो जांच होती है तहसील स्तर से, मजिस्ट्रेट स्तर से जो पात्रता की जांच होती है, उसी में लिख दिया जाएगा कि किस कारण से कोई अपात्र हुआ है, उसको हम प्रोसेस करके जारी कर देंगे। जो लोग जिस कारण से अपात्र होंगे वो अपना देख सकते हैं और आपत्ति दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस दिन उसमें अपात्रता का कारण लिख के आने लगेगा, हम उसको कंपनी के माध्यम से जो यहाँ पे काम करती है एजेंसी, हम उसको प्रोसेस करवा के और उसको जारी कर देंगे। तो हर आदमी अपनी अपात्रता का कारण उस लिस्ट से देख सकता है। प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी और गरीब उन्मुख योजना है, समाज के उस वर्ग को जिसके पास छत नहीं है उनको मकान निःशुल्क बनवा के देने की योजना है, 2.5 लाख रुपये। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी है, लेकिन योजना का कार्यान्वयन तो स्थानीय प्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। माननीय मोदी जी खुद आके नहीं करेंगे, हम करेंगे। उन्होंने हमको विधायक इसीलिए बनाया है। आज यह बैठक इसीलिए बुलाई गई थी कि यह देखा जाए कि माननीय मोदी जी के सपनों का भारत हम बनाने में कितना सफल हो पा रहा है, और जो लोग इसमें अवरोध पैदा करेंगे उन्हें हम कितना दंडित कर पा रहे हैं। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्ट तत्व ठीक से इलाज किया जाएगा उनका। मैं डॉक्टर हूँ और होम्योपैथी दवा से लेकर के और सुई लगाने तक जानता हूँ, और ठीक से लगाऊंगा। सबसे बड़ी शिकायत है, जो गरीब नागरिक आवेदन करते हैं उनको ये बताया ही नहीं जाता है कि उनका आवेदन रिजेक्ट क्यों हुआ। आखिर ये स्थिति क्यों आती है कि नागरिक कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में बड़े लोगों को, सुविधाभोगी लोगों को मकान मिल गए, हम खपड़ैल वाले हैं, हमको नहीं मिला। यह हमारी योजना की पूरे देश में शायद कमी है। हम गोरखपुर से एक नया प्रयास करने जा रहे हैं। हमारी अभी जिलाधिकारी गोरखपुर से बात हुई है, हमारे डूडा के पीओ साहब विकास सिंह जी नए आए हैं, बैठे हैं, और हम लोग गोरखपुर से एक अभिनव प्रयास करने जा रहे हैं। इस साल जितने भी आवेदन होंगे और जिनके भी आवेदन रिजेक्ट होंगे, उन्हें लिखित रूप से हम लोग बताएंगे कि उनके आवेदन रिजेक्ट क्यों हुए। उनके पहले से मकान थे इसलिए हो गए, उनके पास आय अधिक थी इसलिए हो गए, उनके पास ज़मीन नहीं थी इसलिए हो गए, वो सरकारी कर्मचारी थे एक निश्चित वेतन से अधिक पाते थे इसलिए हो गए। जब नागरिकों को यह अधिकार है कि जाने कि उनको पैसा क्यों नहीं दिया गया, जब वो जान जाएंगे तो उनको आपत्ति करने का अधिकार है, ये बताने का अधिकार है कि नहीं, जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं कि इन कारणों से हमको पैसा नहीं दिया गया वो गलत हैं। कारण हमसे पैसा मांग रहे थे लेखपाल महोदय, हमने नहीं दिया तो उन्होंने ऐसे लिख दिया, जैसे एक आदमी के सामने लिख दिया बिलंदपुर का नहीं रहने वाला है। अरे बिलंदपुर का रहने वाला है या नहीं है, गोरखपुर का रहने वाला नहीं है कि नहीं है, ये बताओ। तो जो इस तंत्र में बदमाशी हो रही है, आज की मीटिंग उन बदमाशों को चिन्हित करने की, उन्हें दंडित करने की, और सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों को सूचना देने की कि उनको आवास न देने का कारण क्या है, इस पारदर्शी सिस्टम को। देखिए डीएम साहब से हमारी दूसरी बात थी, दिशा की बैठक में डीएम साहब थे और विकास साहब भी थे, डीएम साहब का रुख उस समय भी बहुत सकारात्मक था। देखिए सारी कार्रवाई आकर टिकती इस पर है कि हमें अगर किसी कर्मचारी पे कार्रवाई करनी है तो हमें एक वैधानिक कार्रवाई करनी पड़ेगी, विभागीय नोटिस देनी पड़ेगी, उसकी भले 3 दिन में जांच हो लेकिन जांच करनी पड़ेगी। कोई एक व्यक्ति सामने आए जो लिखित रूप से इस बात को कहे कि हाँ हमने पैसा दिया, मेरे जैसा आदमी जो गांव-गांव में एक एक, आप जानते हैं, एक एक वार्ड में मैं बैठक करता हूँ और माइक लगा के पूछता हूँ कि किसी ने पैसा दिया क्या, अब एक विधायक खड़ा होकर के चिल्ला चिल्ला के पूछे और नागरिक डर के मारे बताएं नहीं, पीछे आकर हमसे कोने में कहें, तो हम कार्रवाई कराएं तो कैसे कराएं।
मैं आपके माध्यम से नागरिकों को आग्रह करूंगा, माननीय मोदी जी का सपने का भारत मोदी जी अकेले नहीं बना पाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत माननीय मोदी जी अकेले नहीं बना पाएंगे। हर नागरिक मोदी जी का सिपाही है, सबको खतरा लेना होगा और सबको साहस इकट्ठा करना होगा और मजबूती से। अब मुझसे नहीं कहेंगे तो किस विधायक से कहेंगे? मैं तो लड़ने के लिए, अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए बदनाम हूँ, अगर मुझसे नहीं कहेंगे तो कहाँ पाएंगे विधायक? वो आए खुल के कहें, और एक बार अगर किसी ने अपने मुंह से लिखित रूप से दे दिया और मुझसे कह दिया तो बच जाए। आप भी जानते हो ये संभव नहीं है, किसी को मैंने छोड़ा नहीं है।